नगर निगम चुनावों के शंखनाद में चुनाव निशान कार के साथ उतरे पूर्व पार्षद जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू ने बताया कि उनके लिए भाईचारा ही सब कुछ है। जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू ने बताया कि वो इस चुनाव से पहले भी 4 बार जिला स्तरीय राजनीति में रहकर जनता की सेवा कर चुके हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू ने कहा कि वार्ड बंदी में कुछ नया इलाका भी जोड़ा गया है। अगर वार्ड की जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो इलाके के हिसाब से जो नई समस्या सामने आएगी उसी हिसाब से उस समस्या का समाधान किया जाएगा। नहीं, दोबारा इच्छा नहीं, मैं तो 4 बार पहले रह चुका हूँ। वार्ड नंबर 25 से भी मैं म्यूनसिपल काउंसिलर रहा, वार्ड नंबर 24 से भी रहा, तो 2010 तक तो मेरा है ही हूँ उसमें। उसके बाद जो है जो लेडीज वार्ड हमारा, लेडीज के लिए चेयरमैन नहीं आ गई थी, मैंने विड्रॉ कर लिया था 2010 में। उसके बाद 5 साल निकल गए, 5 साल जो है सरकार ने चुनाव नहीं कराए, 10 साल का गैप आ गया। अब भी हम छोड़ते अपना चुनाव तो हम लोगों से दूर हो जाते, तो मैं अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहता। जो भी समस्या है अभी जो है वार्ड 15 जो है 3.5 वार्ड अभी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले जो हम मैं वार्ड 24 से रहा था, तो अब जो है वार्ड 15 जो नया हमारा जो डिलिमिटेशन में बना है नई वार्ड बंदी में, तो उसमें जो है वार्ड नंबर 22 है, वार्ड नंबर 23 है, आधा वार्ड नंबर 24 है, आधा वार्ड नंबर जो है 27 है, कुछ पार्ट उसका जो है 26 नंबर का भी जुड़ा है। तो अभी जो नए वार्ड जुड़े हैं नई वार्ड बंदी के हिसाब से जो जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी उस पर जो हम फोकस करेंगे और उसको उससे निजात दिलाएंगे। काफी पुराने समय से आप राजनीति में रहे हैं, अब किसान जैसे सड़कों पे बैठा है, किसानों के बारे में जो सरकार से गतिरोध चल रहा है, अवरोध है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में किसान लीडर बात करेंगे जी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, जो किसान लीडर फैसला करेंगे, जो किसान यूनियन फैसला करेंगे, हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा। क्या लगता है जैसे 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, केंद्र सरकार ने उनको बगैर किसान से पूछे लागू कर दिया है, तो किस तरह से ये व्यवस्था, एक तरह से सरकार को पीछे कदम हटाने चाहिए या क्या व्यवस्था? वो तो सीनियर लीडरशिप के क्वेश्चन है जी, सीनियर लीडरशिप इसका जवाब दे सकती है, मैं तो उसमें क्या जवाब दूंगा। तो मैं तो रूट लेवल का वर्कर हूँ, जो लीडरशिप फैसला लेगी हम उनके साथ रहेंगे। तो आपका कहना है कि आप किसानों के साथ? जी, मैं किसान का बेटा हूँ तो साथ तो हूँ, उससे तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता।